शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों और शहर के प्रमुख चौक में से एक दिग्रह शहर के कच्ची चौक में इन दिनों रास्तों के बीचों बीच बना चैम्बर जी का जंजाल साबित हो रहा है। इस खुले पड़े चैम्बर लाइन के गड्ढे पर ढक्कन या सुरक्षा कवच नहीं होने से यह जान माल का खतरा बना रहता है। हाल ही में बुधवार 7:30 बजे इस चैम्बर के गड्ढे में एक नई नवेली कार जा फंसी। सूत्रों ने बताया कि रात को हल्की बारिश जारी थी, ऐसे में यहां से गुजर रही इस कार के ड्राइवर को चैम्बर का गड्ढा नजर नहीं आया और कार का पहिया इस गड्ढे में जा धंसा, जिसके बाद घटना स्थल पर मौजूद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने कार को निकालने की जुगत लगाई। ऐसे में लगभग एक घंटे के भरकस प्रयास के बाद कार को गड्ढे से निकालने में सफलता मिली। मालूम हो कि पहले भी यहां से आवाजाही करने वाले वाहन इस गड्ढे में फंसने की घटनाएं सामने आई है। उस वक्त बीसीएन न्यूज ने जी का जंजाल साबित हो रहे इस गड्ढे के संदर्भ में खबरें भी प्रकाशित की थी। इतना ही नहीं, स्थानीय दुकानदारों ने भी पालिका प्रशासन से इस समस्या के निवारण की मांग की थी, लेकिन फिर भी प्रशासन अपनी आदत के मुताबिक लापरवाही का अपना ऊंट हाँकता रहा। बहरहाल बुधवार रात को सामने आई इस घटना के बारे में सूत्रों ने बताया कि इस नई कार में सवार लोग किसी अन्य शहर से दिग्रस अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ आए हुए थे और वे नई कार खरीदने पर मिठाई लेने किसी होटल की ओर जा रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि दिग्रस नगर पालिका प्रशासन की लापरवाह कार्य प्रणाली से कच्ची चौक पर खुला पड़ा चैम्बर का गड्ढा उनके सुहाने सफर के लिए पनौती साबित होगा और उनकी खुशियों की मिठास पर पानी फेर देगा। अफसोस इस बात का भी है कि समय रहते अगर पालिका प्रशासन ने इस चैम्बर लाइन के गड्ढे की ठीक तरह से मरम्मत की होती तो आज ये घटना न घटी होती। पीसीएन न्यूज के लिए दिग्र से जुबेर खान की रिपोर्ट।